विदेशी बाजारों में तेजी के बीच आयातित तेलों के भाव में रिकॉर्ड तेजी आने से बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों तेल तिलहन छोड़कर लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार दर्शाते हुए बंद हुए। सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहनों की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। भारत अपने खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 60% भाग का आयात करता है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के अलावा खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से तेलों के दाम मजबूत हुए हैं। विदेशी तेलों के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। कच्चा पाम तेल और पामोलिन तेल के भाव रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचे हैं और देसी तेलों में जिस सरसों का दाम बाकी तेलों से लगभग 30 से 40 रुपए किलो अधिक रहा करता था, अब उन आयातित तेलों के मुकाबले सरसों का दाम लगभग 5 से 7 रुपए किलो नीचे आ गया है। CPO और पामोलिन जैसे आयातित तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं और दिलचस्प ये है कि इसके लिवाल भी कम है। ऐसी स्थिति में कौन इन तेलों का आयात करने का जोखिम मोल लेगा जब घरेलू तेल आयातित तेलों से सस्ते हों। उधर उत्तर भारत में सरसों की अधिक खपत होती है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सूरजमुखी, सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली जैसे अन्य तेलों की अधिक खपत है। सरसों तो उत्तर भारत की जरूरतों को कुछ हद तक पूरा कर सकता है, पर युद्ध बढ़ने के बीच सूरजमुखी और सोयाबीन, डिगम जैसे बाकी खाद्य तेलों का आयात प्रभावित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।